दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका अपने YouTube चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे महिला आत्म सुरक्षा के बारे में बात करने जा रही हूं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। आपको बता दें कि हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी सुरक्षा शायद हम खुद सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, न कि पुलिस, सरकार, प्रशासन, तंत्र पर निर्भर रहकर। इस समाज में जहां हर रास्ते पर खुले दरिंदे घूम रहे हैं, वहां अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी होगी। कम से कम ऐसी परिस्थितियों से बचने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। महिलाएं खुद चाहें तो क्या नहीं कर सकती, तो ऐसे में क्या उनको अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर होना चाहिए या फिर खुद की सेफ्टी खुद के हाथों में रखनी चाहिए। छेड़छाड़, बलात्कार एवं लूटपाट जैसी घटनाएं अक्सर महिलाओं एवं लड़कियों के साथ होने के समाचार सुनने को मिलते ही रहते हैं। इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरती जाए ताकि समय आने पर आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाए। कभी भी यह सोचकर चुप ना रहें कि कुछ बोलने पर लोग आप पर ही ताने कसेंगे। आपके द्वारा उठाया गया एक कदम दूसरों को आपकी मदद के लिए आगे ले आएगा। यह जरूरी नहीं कि हर लड़की मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो। थोड़ी सी सावधानी, होशियारी और साहस से आप अपना बचाव खुद कर सकती हैं। आप किसी भी चीज़ को अपना हथियार बना सकती है, जैसे पेन से खरोंच दे चेहरा, पानी की बोतल, छाता। सेल्फ डिफेंस के हथियार और भी हैं, बस इनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसे वैलेट अलार्म। वैलेट अलार्म सेल्फ डिफेंस का बेस्ट टूल है। इसे अपने बैग में ज़रूर रखें। इसे दबाने पर इसमें से तेज आवाज़ निकलती है जो 400 से 600 मीटर की दूरी तक सुनाई देती है। स्पाइकी चैन। स्पाइकी चैन की रिंग की तरह ही लगती है, लेकिन यह बेस्ट डिफेंस टूल है। आप इसे अपनी उंगलियों में अच्छी तरह फिट करके पंजा बना लें और सामने वाले पर वार करें। हेयर ब्रश। यह आम हेयर ब्रश की तरह ही होता है। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर छोटा सा चाकू होगा। अपने हाव भाव का ध्यान रखें। सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाव भाव का खास तौर पर ध्यान रखें। घबराई हुई या खोई सी ना रहे, सिर ऊंचा करके आत्मविश्वास के साथ चले। चौकस रहे, अपने आसपास हो रही गतिविधियों का ध्यान रखें। एक पुरानी कहावत है कि तुम्हारी स्वतंत्रता वही समाप्त हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। इसका मतलब किसी भी मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी काम तब तक सही है जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता अथवा सुरक्षा में बाधक न हो। हमारे जीवन में सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुरक्षित रहोगे तभी आप अपने जीवन को खुलकर जी सकते हो। अपनी जिंदगी को खुलकर जीने के लिए जरूरी है कि आप खुद की हर समय सुरक्षा करें। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी रूप में खुद को असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत और योग्य बनाओ कि आप हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करें। जब आप मजबूत रहोगे तभी आप दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। महिला होने के साथ साथ आप एक माँ और एक बहन और एक बेटी सभी का रोल निभाती हैं। इसीलिए आपको आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहना अनिवार्य है। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए आत्म सुरक्षा रखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।